अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ GTA 5 रियल लाइफ मोड्स वीडियो। तो यार आप लोग आज उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। और ये देखो यार, ये सुल्तान अला का विला है और अभी ये जो है ना गार्ड्स खड़े हैं सारे, और हमने एक बड़ी कमाल किस्म की ये जो है ना राइड अपनी करवाई है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अपनी गाड़ियाँ जो कि मैंने स्पेशल बनवाई हैं अपने लिए। तो ये देखो भाई साहब, ये गाड़ी हैं, एक ये टोयोटा हाइलक्स है और एक ये टोयोटा लैंड क्रूजर 2020 की। तो पहले मैं आपको चेक कराऊंगा टोयोटा हाइलक्स की आवाज़, ये लुक है हाइलक्स की, और वो साथ खड़ी है हमारी लैंड क्रूजर 2020 मॉडल। ये देखो भाई साहब, डुबल टर्बो लगे हुए हैं इसको। उसके बाद ये देखें, एक ये गाड़ी है ये देखो। तो मैं आपको इसकी आवाज़ तो नॉर्मल थी है, लेकिन वो जो फुल मॉडिफाई करवाई है हमने उसकी मैं आवाज़ चेक करवाता हूँ आपको। ये देखें क्या कमाल आवाज़ है, ये कमाल किस्म की आवाज़। ये देखें फ्लेम छोड़ती गाड़ी, फ्लेम छोड़ती है, क्या कमाल गाड़ी है। तो भाई साहब अभी ना ये देखो, अम्मी हम निकलते हैं। और मैंने अपनी जो राइड है वो इसलिए करवाई है क्योंकि मैंने जाना है PDM, मतलब कि प्रीमियम डिलक्स मोटर स्पोर्ट्स जाना है। आप लोगों को पता होगा कि ईद करीब आ रही है, तो ईद उल अज़हा के मौके पे हमने कुर्बानी तो लाजमी करनी है, तो इसलिए जानवर ख़रीदे नहीं थे। तो मैंने माइकल भाई को फ़ोन किया था और माइकल भाई को कहा था कि दादाबू को हमने टाइम चाहिए हमारा दादाबू का, तो अभी दादाबू को मिलने जा रहे हैं। ये हमारा ड्राइवर है जो हमें लेके जाएगा आज। हाँ तभी ये मुझे कह रहा है कि चलो बैठ जाओ गाड़ी में, तो हम बैठते हैं गाड़ी में अभी। अभी इससे आगे ये गाड़ी चलाएगा। ये देखें हमने क्या कमाल गाड़ी बनवाई है, पाकिस्तान के झंडे लगाए हैं आगे दो। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गाड़ी पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दो वीडियो को। ये देखें भाई साहब, ये हमारा पूरा विला है, और ये विला भी है और ये डेरा भी है, और ये हमारा डेरे का बोर्ड लगा हुआ बाहर। तो अभी हम लोग निकलते हैं, और ये बड़े स्टाइल में गाड़ी काटी इसने, चेक करें क्या कमाल है। ये ड्राइवर जो है ना, ये मेरा बहुत कमाल किस्म का ड्राइवर है, इसको मैं अक्सर हम अपने साथ लग जाता होता हूँ। तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं प्रीमियम डिलक्स मोटर स्पोर्ट्स के बहुत करीब आ गए हैं, और ये गाड़ी बड़े ध्यान से चला के लाया है। बस ये लो, जिधर मैंने इसकी तारीफ़ की उधर इसने गाड़ी ठोक दी है। ये सारे काम चोर होते हैं। चलो खैर अभी निकलते हैं हम लोग। और ये ओए ओए ये है ओए, हाँ इधर मोड़ ले गाड़ी, इधर मोड़ ले, हाँ इधर मोड़ ले गाड़ी। चेक करो भाई साहब क्या VIP किस्म की गाड़ी है। क्या मैं इस गाड़ी को कंटिन्यू करूँ, क्या आप लोग ये गाड़ी और देखना चाहते हैं। तो फिलहाल ये जो गाड़ी है इसको मैं पार्क करवा लेता हूँ। गाड़ी ध्यान से पार्क करी माइकल भाई, ये गाड़ी को टच ना हो जाए गाड़ी, ध्यान से, हाँ ध्यान से। ये देखो भाई साहब क्या कमाल किस्म की गाड़ी है। अब ये उतरा, ये पहला सारे इंस्पेक्शन करेगा यहाँ पे, उसके बाद मुझे ज़्यादा देगा उतरने की। तो फाइनली मुझे इजाज़त मिल गई, अब मैं उतरता हूँ, शुक्रिया बहुत बहुत तेरा। तो फाइनली जाके दादाबू से मिलते हैं, पहले माइकल भाई से मिलते हैं और फिर दादाबू से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माइकल भाई, क्या हाल है आपका, उम्मीद है आप ठीक होंगे। वालेकुम सलाम सुल्तान भाई, क्या हाल है। आई यार मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। बस कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बस ये मिलो अबू बैठे हैं साथ। हाँ जी जी मैं मिलता हूँ अभी अबू से आपके। हाँ रुको रुको, अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है आपका, ठीक हैं आप। मैंने बहुत सुना आपके बारे में, आपकी वीडियोज भी बहुत देखी है। जी जी वालेकुम सलाम पुत्र, की हाल तेरा, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक है। हाँ जी जी अंकल, बस तो अभी हमें जानवर ले जाना है। आहो आहो यार मैंने माइकल में गया सी, एक मिनट रुक पुत्र है तू जान ए, ए अपने बॉडी गार्ड क्यों ना ले के आए हैं। नहीं नहीं अंकल जी मैंने ज़रा ज़रूरत होती है इस वजह से। अच्छा ठीक है, ए माइकल दे पुत्र तू गड्डी लेके निकल हाइलक्स। अबू वो ड्राइवर ले आएगा, मैं तेन आखिया ना तू दफा हो गड्डी लेके। यार एक तो ये अबू भी, हाँ कर ले बकवास। नहीं नहीं कुछ नहीं, ये एक तो अबू भी ना बेइज्जती कर देते हैं यार। चलो खैर निकलना तो पड़ेगा, अबू ने कह दिया भाई सुल्तान भाई के सामने मेरी बेइज्जती कर दी यार। चलो खैर निकलता ले गया, अब क्या कर सकते हैं और।
वैसे सुल्तान भाई गाड़ी तो बड़ी कमाल किस्म की लाए हैं यार। चलो खैर और सुना पुत्र की हाल है तेरा? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक ही हैं। जी जी अंकल जी मैं भी ठीक हूँ। आप चलिए गाड़ी की तरफ चलें, आपको मैं लेकर चलता हूँ। आप पुत्र गड्डी कितने खलोती है? अंकल जी वो सामने खड़ी है ब्लैक कलर की। ओहो पुत्र गड्डी तो बड़ी लशपश रखी है तू। आए हाय हाय मजे ही आ गया वेख के। जी जी अंकल बस। ओहो पुत्र गड्डी ओ अगे पाकिस्तान ने झंडा भी लाया यार, तू मेरा दिल जीत लिया। नहीं नहीं अंकल बस देखे पाकिस्तान में अपनी जान है। सारे कमेंट करें पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी जान है। तो अंकल बैठ जाए पीछे। हाँ जी पुत्र मैं बहन है। एक गड्डी कौन चलाएगा? अंकल ये मेरा ड्राइवर चलाएगा ये गाड़ी। आ जाओ फिर पुत्र आ जाओ। हाँ जी जी बैठे आप पुत्र इधर आ जाओ। नहीं नहीं अंकल जी ओए ओए ड्राइवर दिया पुत्रा। अंकल मैं बैठ गया हूँ आगे आके। ओए ए तेरा जो ड्राइवर है ना गड्डी मार लगा सी तेनों ने। नहीं नहीं अंकल जी ये ड्राइवर जो है ना ये थोड़ा सा पागल है, लेकिन खैर कोई बात नहीं छोड़ देते हैं इसे। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा मैंने दस तो किन्ने जानवर लेने ने? दो या तीन? नहीं नहीं अंकल जी दो तीन नहीं, मैंने तो तकरीबन 12-13 लेने जानवर। ओए होए होए एडे जानवर पुत्र तू जानवर जब करने ने की करना है तू? तेरे किन्ने बच्चे देने? अंकल जी मेरी अली शादी नहीं हुई। ओ अच्छा अच्छा तेरी तारी कोई गर्लफ्रेंड गुलफ्रेंड है? जी जी अंकल है लेकिन आई वॉन्ट टू कीप इट प्राइवेट। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो निकलते हैं फिलहाल। तो यार अभी हम लोग जा रहे हैं। ओए ध्यान से गाड़ी मोड़ ओए। हाँ ये गाड़ी सही तरह नहीं चला रहा था, रास्ते में भी ओवर स्पीडिंग कर रहा था। हाँ अंकल बस क्या करें इसको समझाना पड़ता है। ओए इधर से मोड़ ले। हाँ ये आ गए हम। तो पुत्र तुम्हारा बजट कितना है वैसे मुझे बताओ कुछ? नहीं नहीं अंकल जी मेरा बजट जितना मर्जी खुला पैसा अल्लाह का शुक्र है। कोई मसला नहीं, बस आप लेने वाली बात करें और ज़रा मुनासिब रेट पे लेने हैं। ये चोर बाजार है यहाँ पे सारा, ये जानवरों के रेट बताते हैं बहुत महंगे। ओए पुत्र गड्डी इतने आना ला ला उनकी गड्डी ना मार दी बस। हाँ नहीं नहीं अंकल नहीं मारता, मार भी देगा तो मैं इससे नई गाड़ी ले दूँगा, कोई बात नहीं। ओए ध्यान ओए मार दी ना पिछों फिर। अंकल कोई बात नहीं अंकल, ये भी उतरा ये थोड़ी इंस्पेक्शन कर ले फिर मुझे जा देगा फिर मैं उतरता हूँ ठीक है। हाँ पुत्र ठीक है। हाँ तो अंकल चलिए मैं उतर गया हूँ, रुके माइकल भाई किधर गए? माइकल भाई इधर आ जाओ। यार मैं मोबाइल देख रहा हूँ मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है अंकल जी आ जाए बाहर। अबू आ जाए। ओए आ रहे हैं खट जा। हाँ आ गए। ओए होए होए ओए माइकल ए ट्रक तू ले आके आए हैं। ओए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सजी क्या हाल है आपका? हाँ ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। हाँ मैं तेरा नाम पूछा था की तेरा नाम? हाँ मेरा नाम बशीर है सजी बशीर। वो माइकल ने पहले कटवा लेने जानवर? आहो आहो कटवा लेने वेखो यार तुसी जानवर वेखो। आहो जानवर तो पूरे ओए ये थोड़ा जहा लगता है मैनू, लेकिन बाकी तो बैठ जा कमाल दे गए ना जानवर। ए हो गए ने 12। हाँ 12 ठीक है गए ने। रुको रुको कितने गए ने? सुल्तान भाई इधर आओ। जी जी अंकल जी बताएं तुम टूटा मारे गए? नहीं नहीं अंकल जी। अच्छा ये वेख लो ये है ने 12। जी जी अंकल जी ठीक है। तो ये 12 है ने तो मैं जगह करा कल फिर। जी जी अंकल जी करें बात। चलो तो मैं बात करता हूँ जाके ठीक हो गया। ओए बशीर ओए। हाँ जी जी सर जी बताएं। अरे किन्ने दिन लाएंगा तू फिर? सर जी ये 12 जानवर हैं तो मैं आपको दूंगा 1.5 लाख का एक दूंगा। वही अड्डा महंगा दफा हो जा अपना मुंह तोड़ा जाके 1 लाख का कर रहे। सर जी इतना बड़ा नहीं खाना मुझे। ओए बकवास बंद कर रहे 1 लाख का कर, मैं तुम्हें कह रहे ना। सर जी देख ले फिर आप मैं क्या कह सकता हूँ। ओए बकवास बंद चल ला 12 लाख हो गए ना ठीक है 1 लाख का एक जानवर। रुक जा ए सुल्तान भाई ए मेरी गल सुनो 12 लाख दे दो मैनू जाके। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया
अंकल जी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, इधर आए, रुके मैं दे गया था पैसे। हाँ बशीर भाई मैंने आपका नाम सुना था, अच्छा बताएं 12 लाख किस तरह दूँ मैं आपको? अच्छा जी बहुत कम ने अंकल जी ने बात कर ली है, ये पकड़े पैसे दफा हुई यहाँ से मैं मुँह लेके। अब माइकल भाई ट्रक का कोई इंतज़ाम है? मैंने फार्म हाउस लेके जाने हैं जानवर। मैं लेके आता हूँ ज़रा ना, अभी रुके मैं लेके आता हूँ ये ट्रैक्टर, रुके। तो भाइयों फाइनली 12 जानवर ले लिए हैं सुल्तान भाई ने। ओए आ जाओ, ओए सुनते नहीं पाए, ठुड्डा मारो, ओए आ जाओ, ओए आओ आओ जल्दी आओ, बात नहीं सुन रहे थे यार। चलो मैं भी अपनी हाईलक्स लगे पहुँचता हूँ, 2 जानवर मेरे उस पर जाएंगे हाईलक्स पे और बकाया उस पर जाएंगे ट्रकों पे। यार 12 जानवर लिए सुल्तान भाई के पास, पैसा बहुत है यार, क्या करे बंदा। चलो खैर आंडियो शादी आंडियो, बस बहुत है बशीर भाई, आप कितनी वजन मारते हो? ओए ध्यान न लानी थी पीछे गड्डी। अबू ध्यान से लगाई है। हाँ जी भाई साहब, हाँ काम तो ठीक है, हाँ चलो ठीक हो गया। अबू जी मैंने करवा लिया, सुल्तान भाई करवा लें जानवर, देख लें जाके आप चेक कर लें। हाँ जी जी सर जी मैं देखता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया माइकल भाई आपका, अभी मैं देख लेता हूँ जैसे जानवर अपने। हाँ ये देखो भाई ट्रकों में जा रहे हैं अपने जानवर ये। हाँ 5-1 में है, रुको मैं देख लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 हाँ हाँ 5 है, ठीक हो गया। और 5 इधर है। माइकल भाई बहुत शुक्रिया आपका। नो प्रॉब्लम सर जी, नो प्रॉब्लम। हाँ रुको मैं बस इनको लेके पहुँचते निकलें फिर आप लोग। ओए चलो ओए ध्यान से चलना। हाँ अंकल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आ जाए मेरे पीछे पीछे आ जाए। ओए आ रहे हैं। ओए मेरी गाल सुन, ओए ड्राइवर तू माइकल भाई के साथ आई, मैं निकल रहा हूँ अंकल जी को लेके, ठीक है? हाँ आ जाओ अंकल जी, आ जाए मेरे पीछे आ जाए। ओए आ रहे हैं, ओए आ रहे हैं, कितनी तेज भजना तू यार, खट जा 2 मिनट। हाँ जी जी अंकल मैं वेट कर रहा हूँ, अंकल जी आ जाए इस गाड़ी में बैठ जाए। ओए तू गाड़ी हूँ तू चलाएगा गाड़ी? जी जी अंकल वो माइकल भाई के साथ आएगा ना, थोड़ी मदद करेगा उनके आने में। हाँ चल फिर जल्दी निकाल गाड़ी यार, बड़ी गर्मी की यार, एसी चला यार। हाँ जी जी अंकल जी एसी चला दी मैंने गाड़ी का, एक तो जब तक एसी ना चले यार मेरी, मैंने गर्मी लग रही रहती यार। जी जी अंकल जी मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ। नहीं नहीं पुत्र तो नहीं समझ सकता, तेरी शादी नहीं हुई। अंकल जी इसमें शादी की क्या बात है? खैर तू वो छड़। वैसे अंकल जी हम लोग निकलते हैं अभी, मैं आपको डेरा चेक करवाता हूँ अपना, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर पुत्र तो क्या जी गल करना पे है, तू मेरे पुत्रा वर्गा गया माइकल वर्गा। अच्छा वैसे मैंने एक गल दस। हाँ जी जी अंकल जी पूछे। हाँ तू तो माइकल का दोस्त है। जी जी अंकल। एक तो माइकल की गर्लफ्रेंड है ये। अंकल जी पता नहीं, अंकल जी फाइनली हम लोग डेरे पे पहुँच गए अपने। ओए ये डेरा था, इतने डेरा ही गए? जी जी अंकल जी मैंने अपना डेरा बनवाया है यहाँ पे, ये देखें बोर्ड लगा हुआ बाहर। ओए होए होए पुत्र एडा पैसे का तेरे कोल? जी जी अंकल जी बहुत पैसा है, अगर आपको कोई बंदा तंग करे ना आप मुझे बताना, मैं अपने बंदे भेज कर उसको चुकवा लूँगा, टेंशन ना लें। बस अब आप मेरे खास मेहमान खास हैं इधर। ओह पुत्र तू तो इतने बड़ी सिक्योरिटी टाइट रखी है। जी जी अंकल रुके जरा मैं गाड़ी आगे कर लूँ, ये माइकल भाई पता नहीं पहुँचे कि नहीं पहुँचे। पुत्र वो मेरे ना उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया सी, वो पहुँच गया जानवर लै के, तेने जानवर रखवा भी तेने तेरे। हाँ चलो ठीक हो गया अंकल जी, आजे 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 अंकल जी आजे। वाह वाह पुत्र तू तो चंगा काम पाया यार इतने। अंकल बहुत मुझे खुशी हुई कि आपको पसंद आया है। चले अंकल जी आ जाएं, ये इधर जानवर कर दिए माइकल भाई ने, मुझे पता चल गया, मुझे बताया उसने। हाँ चलो चलो यार जल्दी चलो यार। तो यार अभी हम लोग जानवर देखते हैं अपने, और ये देखो भाई साहब अपना फार्म हाउस है, और ये पता नहीं यार कौन सी फटीचर गाड़ी खड़ी की हुई यहाँ पे, हटवाओ यार इसे। हाँ जी जी उठवाता हूँ। हाँ ओ अच्छा वो माइकल भाई का खड़ा हुआ है टाला, रुको माइकल भाई किधर है माइकल भाई? हाँ जी सुल्तान भाई इधर आ जाओ यार, मैं तेरा पैसे भेज रहा हूँ उसे। किसको किसको पैसे भेज रहे हो यार आप? यार वो बिल जमा नहीं कराया हुआ घर का इसलिए। अच्छा तो यार टाइम पर जमा कराया करो ना। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार माइकल भाई, एक दो फिर
नो प्रॉब्लम भाई, आप मेरे अपने भाई हैं समझे। अंकल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सुल्तान भाई तानू फिर मैं किया तुसी मेरे बेटा वर्गे ही हो। चलो गाइस आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कर दो वीडियो को। विद दैट सेड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।